कच्चा लगे उधर से पका लेंगे। इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना है, ऐसे उल्टाते हुए पकाना। इसे आप देख सकते हैं अभी समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे। एक प्याली मैदा डाल लेंगे। मैदा मैंने प्याली भर के लिया है। आधी चमची नमक, आधी चमची साबुत जीरा, इसे हाथ में मसल के ना डाल लेंगे। दो चम्मच ऑयल, आप यहाँ घी भी डाल सकते हैं। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे ना अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें गुठली कोई नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। इसे सेम आटे की तरह गूंदना है, बस इसे थोड़ा सा सख्त रखना है। आटे से थोड़ा सा सख्त रखना है, इसी तरह इसे गूंदना है, उतना पानी डालना है। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही गूंद लेंगे इसे अच्छी तरह। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह गूंद लिया। 15 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा देंगे। 1.5 पाव मैंने उबले हुए आलू लिए ने, आलू को मैंने बॉईल कर लिया। आलू को मैश कर लेंगे। सारे आलू को मैंने मैश कर लिया। दो चम्मच मैदा, एक बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज मैंने छोटा सा लिया, बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, एक चमची नमक, नमक जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, एक चमची सुर्ख लाल मिर्च, आधी चमची हल्दी पाउडर, आधी चमची पिसा हुआ धनिया, आधी चमची पिसा हुआ जीरा डाल लेंगे। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मैंने मसाले को मिक्स कर लिया। 15 मिनट हो चुके हैं आटे को गूंदे हुए भी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैदा हमारा सेट हो चुका है। इसका ना पेड़ा बना लेते हैं पहले। इसका मैंने बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। अब इसकी बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। इसकी मैंने बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। इसके ऊपर थोड़े से व्हाइट तिल डाल लेंगे। थोड़ा सा बेल लेंगे ऊपर, ताकि व्हाइट तिल हमारे ना ऊपर चिपक जाए।
ये वाली साइड नीचे कर देंगे। आप देख सकते हैं ये वाली तिल वाली साइड मैंने नीचे कर दी है। जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था वो ऊपर लगा लेते हैं। ऐसे अच्छी तरह लगा लेना। वीडियो को पूरा देखें फिर आपको पता चलेगा आपकी बाजी ने आज कैसे मजेदार व्हील समोसे बनाए हैं। पूरी रोटी के ऊपर ना ये लगा लेंगे मसाला। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने अच्छी तरह मसाला लगा लिया। आप इसका रोल बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका रोल बना लिया। आप इसे कट कर लेंगे। ये थोड़ा सा ना मैंने आगे से काट लिया, इतने इतने पीसों में काट लेंगे इसे। पूरे रोल को इसी तरह काट लेंगे। सबको मैंने काट लिया है। अब दे सकते हैं थोड़ा सा ना खुश्क आटा लगा लेते हैं, खुश्क मैदा। इसे ऐसे दबा लेंगे। आप दे सकते हैं इसी तरह सारे व्हील समोसे तैयार कर लेंगे। सबको इसी तरह तैयार कर लेंगे। सबको मैंने तैयार कर लिया है। आप दे सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसमें व्हील समोसे डाल लेंगे। चूल्हे की आंच को ना मैंने कम कर दिया है। समोसों को 2 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। आगे रमज़ान आ रहा है, मेरी हर रेसिपी आपके काम की रहेगी। 2 मिनट हो चुके हैं, आप इसे उल्टा लेंगे। माशाल्लाह देखें, है ना तरीका आसान। ये वाली साइड से भी 2 मिनट तक पकने देंगे। बाद में जिधर से कच्चा लगे उधर से पका लेंगे। इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना है, ऐसे उल्टाते हुए पकाना है इसे। आप देख सकते हैं अभी समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे बने हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे छन्नी में डाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। माशाल्लाह देखिए कितने ही अच्छे बने हैं। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं व्हील समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मजे के बने हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगे।